प्रोडक्ट्स का, तो पिक्चर्स वगैरह, उनके टाइटल, उनकी डिस्क्रिप्शन, इस तरह अपने प्रोडक्ट के हवाले से, तो उसमें अपनी चीज़ें डालनी होती है, उसकी प्राइस, उसकी पैकेजेस। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, इसमें प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। यहाँ से हम होम से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, तो मेन यही है। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, ऐड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट वन बाय वन ऐड होगी। आपने जितने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है वो वन बाय वन ऐड होगी, मतलब क्योंकि आपने उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी होती है, उसके टाइटल देना होता है अलग अलग, तो इसलिए आप वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड करेंगे स्टोर में। और इसी तरह अभी ये देखिए जी, मैं प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऑप्शन पे आया हूँ, तो सबसे पहले क्या टाइटल है, सबसे पहले तो सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट का टाइटल देंगे। सपोज करें मैं इसमें अगर ऐड करना चाह रहा हूँ, लाइक आप कुछ भी कह सकते हैं, पिशावरी चप्पल कह लेते हैं, पिशावरी चप्पल। अब मैंने ऐड करनी है पिशावरी चप्पल, पिशावरी, तो मैं टाइटल दूंगा पिशावरी कप्तान चप्पल ऐड करनी है, तो पिशावरी कप्तान चप्पल। तो सबसे पहले उसका टाइटल हो गया, उसके बाद उसकी आती है डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। ये भी ज़रूरी होती है, जब आप अपने क्लाइंट के लिए स्टोर बनाएंगे, तो जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करेगा, वो आपको अपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा, जब आप मैनुअल किसी का स्टोर बना रहे होंगे। ये मैं आपको वेबसाइट बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी प्राइस, उसकी पिक्चर्स, जब भी आप क्लाइंट के लिए बनाएंगे, तो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो जैसे भी मैं पहले टाइटल दे रहा हूँ, अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन, सपोज कर मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, मतलब हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, सपोज कर मैं आपको इधर से एक एग्जांपल दे देता हूँ, इधर मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एक वेबसाइट है, जैसे ये है शादी चप्पल, इसकी एक वेबसाइट है, हम उस वेबसाइट पे विजिट करते हैं। जैसे कि ये वेबसाइट है, अब हम यहाँ पे आए, इसकी ये कलेक्शंस हैं, तो ये इसके पेजेस वगैरह बने हुए हैं, सेल का पेज है, कलेक्शंस का पेज है, सेल चप्पल कलेक्शन का, कॉन्टेक्ट अस का, बहुत ये सारे क्या है पेजेस हैं। अब हम कोई एक प्रोडक्ट पे जाते हैं, सपोज करें अगर हम नीचे किसी प्रोडक्ट पे जाते हैं, जैसे कि ये है नरोजी चप्पल, अब हम इस पर क्लिक करते हैं, तो आप देखते हैं, ये देखेंगे इसकी ये क्या है, ये सारी इसकी क्या लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन, इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये इसका टाइटल है, ये इसकी प्राइस है, और इसी तरह ये इसके पिक्चर्स हैं, सेल पे लगी हुई है ये, और इसी तरह ये इसकी गाइड शीट है, जो साइज़ के लिए जो होती है, तो ये साइज़ है, ये हम एक्सेक्ट साइज़ वगैरह, ये साइज़ है सारा, और ये क्वांटिटी वगैरह, और नीचे ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, इसी तरह, मतलब कि ये प्रोडक्ट की आपको मैंने डिटेल्स बताई है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स में होता है, क्या क्या चीज़ आपको लिखनी पड़ती है, आपको ऐड करनी पड़ती है। तो हम जैसे कि ऐड कर रहे हैं पिशावरी कप्तान चप्पल, तो आप इसकी भी डिस्क्रिप्शन कहीं से भी ले सकते हैं, अगर आपने खुद लिखनी है, खुद लिखें, नेट से उठानी है, नेट से उठा लें। अब मैं सपोज आपको एग्जाम्पल देने के लिए थोड़ा सा वो लिख देता हूँ, एंड स्टेज हाई क्वालिटी, इस तरह मैं इसको मतलब ठीक कर देता हूँ, हाई क्वालिटी, इसके अलावा गारंटेड। जैसे कि ये मैं मतलब कि इसकी मैंने खाली जस्ट बुलेट्स में इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, उसकी स्पेसिफिकेशंस को, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, तो वैसे आपको जस्ट समझाने के लिए। तो आप फिर ये इन ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं, आपने कुछ बोल्ड करना है किसी को, टाइटल को बोल्ड कर दे, बुलेट्स करवानी है बुलेट्स करवा रहे हैं, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर रहे हैं, इसी तरह आप ये ऑप्शंस लिखे हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स डालना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इमेज ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे जो इमेज होगी वो डिस्क्रिप्शन की होगी। जैसे कि आपने किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन, आपके पास इमेजेस की जरूरत में, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह जो वीडियो है आप वीडियो भी लगा सकते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे कलर वगैरह अलाइनमेंट है, तो मतलब ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मीडिया। अब मीडिया में आप ऑफ कोर्स इसकी पिक्चर्स डालेंगे, इस प्रोडक्ट की,
आप डायरेक्ट आपके पास अगर पड़ी हैं आप लैपटॉप में कंप्यूटर वगैरह में आपकी डिवाइस में पड़ी हैं आप यहाँ से उठा सकते हैं। आप ऐड मीडिया फ्रॉम यूआरएल भी कर सकते हैं, आप नेट से एक यूआरएल उठा लें किसी प्रोडक्ट की इमेज का, वो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसको फिर मैंने जहाँ शायद मेरे पास पड़ी है मैं तो ये इमेज दिखाता हूँ, कुछ पड़ी होंगी यहाँ पे हाँ अच्छे से देख लेते हैं कुछ। यहाँ से नेट से भी पिक्चर उठा लेते हैं इसकी, चलिए पिक्चर आ गई, अब हम इसको पिक्चर ऐड करते हैं। इस तरह आप बहुत ज़्यादा पिक्चर्स भी प्रोडक्ट की 5 5 8 8 10 10 पिक्चर्स आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी अब आपको वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप इसी तरह जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट की मोर देन 10 पिक्चर्स 5 पिक्चर्स 8 पिक्चर्स जो मतलब कि आप आपके पास अवेलेबल होंगी जो आपको क्लाइंट देगा तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है प्राइसिंग, इसमें 3 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, एक है प्राइस, एक है कंपेयर एड प्राइस और एक है कॉस्ट पर आइटम। अब ये 3 ऑप्शन है ना, ये मतलब कि आपने अब ये जो ऑप्शन है ये मैंडेटरी है, ये आपने लाजमी यहाँ पे प्राइस लिखनी है प्रोडक्ट की। अब सपोज करें ये आप ऐड कर रहे हैं तो उसकी आप प्राइस लगा देते हैं सपोज करें 2500, तो ये अब ये ऑप्शन आ गया इसकी अपनी ओरिजिनल प्राइस। अब कंपेयर एट प्राइस ये वो ऑप्शन है कि आप कंपेयर कंपेयर एज मार्केट, जैसे कि आप कर सकते हैं कि मार्केट में इसकी क्या प्राइस है, तो उस हिसाब से फिर आप कहते हैं कि मार्केट में इसकी प्राइस है जी 3000। इट्स मीन कि आप अपने वेबसाइट पे क्या लगा रहे हैं, सेल लगा रहे हैं कि मार्केट में ये चीज़ 3000 की है और मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड करूँगा 2500 की। सेम एज इट इज़ अब नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट पर आइटम, ये जो ऑप्शन है ये शॉपिफाई अपने एंड तक रखता है, मतलब कि ये आपकी वेबसाइट पे शो नहीं होगा, ये जस्ट वो आपको अगर आपका मार्जिन बता देगा कि आप कितना मार्जिन रख रहे हैं। यहाँ पे आपने कॉस्ट पर आइटम आप कह रहे हैं कि मुझे जो ये पेशावरी चप्पल है मुझे खुद मिलेगी 2000 रुपये की, मुझे खुद मिलेगी, तो ये आपको बता देगा कि आप कितना मार्जिन रख रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये शॉपिफाई अपने एंड तक रखता है, ये आप ऑप्शनल हो सकते हैं, ये आप ना भी फिल करें तो उसका कोई इशू नहीं है। अब चार्ज ऑन टैक्स है, जो बड़ी जो टैक्स होता है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, वो सारी बात है जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं तो उसमें टैक्स होता है, उसमें टैक्स होता है सॉरी, और लेकिन लोकल जब आप ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें इतना वो टैक्स नहीं होता, क्योंकि आपने भी वो जो डिलीवरी देनी होती है उस डिलीवरी के अंदर वो टैक्स इंक्लूड होता है। लेकिन अगर है तो आप इस पर ऑप्शन चेक इन कर सकते हैं कि ये इस पर टैक्स ऐड होगा। इसके बाद आ जाता है ऑप्शन एक आ जाता है SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट। आप में से किसी को इसके बारे में आइडिया है, आप सब में से अगर किसी को है तो वो आज खड़ा करे, अगर नहीं है तो बेशक। जी सर मुझे है आइडिया। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है? बासित इकबाल, मैं ऑलरेडी वर्ल्ड प्रेस पे वो कॉमर्स की वेबसाइट वगैरह जो है ना उस पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ही है सर। चले सही है, चले आपको आइडिया और उनको शायद नहीं होगा किसी को, तो मैं चले बता देता हूँ SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट। जैसे आप किसी बड़े स्टोर में चले जाए ना, तो आप किसी स्टोर में जाते हैं सपोज करें मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं या किसी ग्रॉसरी में चले जाते हैं या किसी कॉस्मेटिक वगैरह पे चले जाते हैं, तो आप सेल्समैन को कहते हैं कि मुझे ये चीज़ ला के दे दो या ये मेडिसिन ला के दे दो, तो वो एग्जैक्ट उसी ऑप्शन पे जैसे एग्जैक्ट उसी उसे मतलब प्रोडक्ट के पास जाएगा। हालांकि दुकान फुल भरी होती है, पूरा स्टॉक भरा होता है,
तो आप भी सोचते होंगे कि ये इसको सेल्समैन को कैसे यार याद रहता होगा कि एकदम जो मैं नाम लेता हूँ ये एग्जैक्ट उसी खाने पे जाता है और उधर बॉक्स से ये चीज़ लेकर आता है। तो असल में SKU होता है ना, उन्होंने वो SKU उनको पता होता है। अब प्रोडक्ट के SKU कैसे बनाते हैं, जैसे कि हर एक का अलग अलग रूल है। जैसे कि अब मैं इसका बनाना है SKU पेशावरी कप्तान चप्पल, अब इसका SKU कैसे बनेगा, पी फॉर पेशावरी, मैं कर देता हूँ पी फॉर पेशावरी, के फॉर कप्तान, सी फॉर चप्पल। अब मैं इसको, अब कौन सा कलर है, ब्राउन है इसका, ब्राउन है तो आप आगे कर लेते हैं यार। तो अब ये जो चीज़ है, ये जब आपको सपोज करें आपको मैसेज आता है, या आपको आप ऑनलाइन काम करते हैं सपोज करें, या आप कहीं काम करते हैं आपको कोई मतलब मैसेज आ जाता है, तो मैसेज में उसके प्रोडक्ट का SKU लिखा होता है कि आपको इसका ऑर्डर आया है। अब जब आपको मैसेज आएगा और इस ये SKU लिखा होगा PKCBR, तो आपको फौरन आइडिया हो जाएगा कि ये शावरी कप्तान चप्पल ब्राउन ये उसका ऑर्डर है। तो आगे साइज भी होगा ज़ाहिर बात है, तो वो आपको फौरन फौरन पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का ऑर्डर है। इसी तरह यहाँ पे आ जाता है बार कोड। अब बार कोड बेसिकली जो है, आप इसको नेट से उठा के गूगल से सर्च करें, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। बार कोड जनरेटर होता है ऑनलाइन, बार कोड जनरेटर, बार कोड जनरेटर होते हैं ऑनलाइन। आप यहाँ से कोई अच्छा सा मतलब अच्छी साइट वाला जो है बोलते हैं यहाँ से, ये अक्सर ये ऑप्शनली होता है, मतलब कोई हाई प्रोफेशनल वेबसाइट कोई आप बना रहे हों, या कोई ऐसी वेबसाइट जिसमें मोर देन 200 प्रोडक्ट्स हों, तो उस पर ये कोई ना कोई क्लाइंट करता है, डिमांड करता है, लेकिन अक्सर ये ऑप्शनली होता है, इसकी कोई इतनी डिमांड नहीं होती और SKU की भी इतनी डिमांड नहीं होती। ये जस्ट आप मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, वो अदरवाइज जो क्लाइंट्स होते हैं जो उनको आइडिया होता है तो वो अपने हिसाब से रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से रखना होता है। और जो बारकोड वाला है ये तो मतलब कि हाई फाई वेबसाइट, हाई फाई स्टोर जो होते हैं, बड़ी वेबसाइट होती है, वो यूज़ करते हैं, नॉर्मली ये इतना यूज़ नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बारकोड जनरेटर सपोज करें कि आपने SKU लिखा है चावरी कप्तान चप्पल जी आर ब्राउन, ठीक है। अब आप कहते हैं कि इसको जनरेट करो जी, अब ये इसने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया शावरी कप्तान बिया जो ये शावरी कप्तान ब्राउन, शावरी कप्तान चप्पल ब्राउन, अब इसका ये बार कोड इसने जनरेट कर दिया। आप इसको करेंगे डाउनलोड, यह होगा डाउनलोड, ये आप इधर डाउनलोड हो गया। अब इस फाइल को आप उठा के या इस इमेज को उठा के यहाँ से आप जहाँ पे अपलोड कर देंगे तो ये इसका बार कोड ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया जी, इसको हम कर लेते हैं सेंड टू डेस्कटॉप। अब यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप इसको कोडिंग के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे ये फाइल आपको ये कोडिंग में होगा। आप जहाँ पे जस्ट वो लिख नहीं सकते क्योंकि ये इसमें आपको ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने ISBN और UPC ये फाइल्स होती हैं जो आपने यहाँ पे वो करनी होती हैं, अपलोड करनी होती हैं। तो बताने का मकसद, आपको समझाने का मतलब ये था कि आप कैसे ऐड करते हैं और कैसे उसको करते हैं। तो इसके बाद जो नीचे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है ट्रैक क्वान्टिटी का और एक आता है कॉन्टिन्यू सेलिंग वैन आउट ऑफ स्टॉक। तो इसमें अब दो ऑप्शन जो ये हैं, ट्रैक क्वान्टिटी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो क्वान्टिटी है, ये नीचे क्वांटिटी का ऑप्शन है, आप कहते हैं कि हमारे पास शावरी चप्पल की जो क्वांटिटी है वो है 100 पेयर्स पड़े हैं मेरे पास। तो आप कहते हैं कि जब आपकी वेबसाइट पे ये ऑर्डर्स आ रहे हों तो आपके क्लाइंट्स को पता चलता रहे कि इस पे इसकी क्वांटिटी कितनी आपके पास रह गई है, वो आपको जो कस्टमर होगा वो देख रहा होगा आपकी वेबसाइट पर कितनी ज़्यादा इनके पास रह गई है
10 बिक गई हैं, 20 बिक गई हैं, इनके पास 80 रह गई है, इस तरह। तो वो ये उसके लिए चेक इन आप कर सकते हैं। अगर आप चेकआउट करेंगे तो वो ट्रैक नहीं होगी। अगर आप ट्रैक करेंगे तो फिर एक और ऑप्शन आ जाता है कि कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। तो जब ये आपकी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी तब आप क्या करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आप ज़ीरो हो जाए और ये प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए स्टोर से, या ऊपर आ जाए कि सोल्ड, तो फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि जब प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए फिर भी मुझे ऑर्डर आते रहें, तो फिर आप, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि मुझे ऑर्डर आते रहें, मैं कहीं और से मैनेज कर लूँगा लेकिन ऑर्डर ना रुकें, तो फिर उसके लिए आप ये कर देते हैं कि कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, कि जब ज़ीरो हो जाए लेकिन फिर भी कस्टमर्स को पता ना चले और मतलब के ऑर्डर आते रहें, तो फिर आपको ये ऑर्डर आते रहेंगे, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, और इस वजह से ये फिर आपको ऑर्डर आते रहेंगे, क्लाइंट्स को पता नहीं चलेगा। तो इसके बाद क्वांटिटी का मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी मेंशन करनी है। इसके बाद आ जाती है शिपिंग। अब शिपिंग में ये है कि ये देखें कि अब जारी बात है ये फिज़िकल प्रोडक्ट है, तो आप इस पर चेक इन करेंगे क्योंकि ये फिज़िकल प्रोडक्ट है, इसकी इसका वेट या वॉल्यूम है, सारा कुछ है। अब कुछ प्रोडक्ट्स आप सोच रहे होंगे कि सारे ही फिज़िकल होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ फिज़िकल नहीं भी होते। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, सपोज करें आप इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, कई वेबसाइट्स ऐसी हैं वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोस मिलती हैं, ऑडियोज़ मिलती हैं, तो अब वो फिज़िकल नहीं होती, तो उसके लिए फिर आप इसको चेकआउट करेंगे, लेकिन अगर फिज़िकल प्रोडक्ट है तो आप इस पर चेक इन करेंगे। उसके बाद वेट आ जाता है। अब इसका वेट केजी में है तो आप इसको मेंशन कर देंगे, अगर केजीज में है तो आप केजीज में करेंगे, ग्राम्स में है तो ग्राम्स में करेंगे। अब इसका केजीज में तो अब आप इसको कर देते हैं जी, सपोज करें जी एक केजी नहीं, इसका ग्राम में होता है तो आप इसको ग्राम में कर देते हैं, 800 ग्राम, 900 ग्राम होता है, 900 ग्राम, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है कस्टम्स इंफॉर्मेशन। इसमें आपको पहला ऑप्शन दे रहा है कि आपने कंट्री कौन सा है, ओरिजिन कौन सा है, मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे तैयार हो रही है, तो ये आप इसको करेंगे पाकिस्तान पे। तो अगर कोई आपका क्लाइंट है, सपोज करें आपको कोई क्लाइंट ऐसा मिल जाता है उसका वो चाइना का है, वो यूएस का है, तो वो जारी बात है उसका ओरिजिन चेंज होगा, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्शन देगी इसका ओरिजिन कौन है, तो वो आपको बता देगा, तो वो आपको उसका बता देगा कि इसका ओरिजिन कौन सा कंट्री है। इसके बाद हार्मोनाइज सिस्टम है, रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, ये कीवर्ड्स वगैरह जो सर्चिंग करनी होती है ये उसके हवाले से है, और ये एसईओ में काम आता है, तो ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि इसकी जो कोडिंग का सिस्टम है वो कैसे होता है, तो फ़िलहाल हम उस पर नहीं जा रहे, तो फ़िलहाल हम मेन मतलब फ्रंट पेज पे जो प्रोडक्ट्स के हैं उस पर काम करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है वेरिएंट्स। अब हर प्रोडक्ट्स की कोई ना कोई वेरिएंट्स होते ही होते हैं। अब इस प्रोडक्ट्स के भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स होते हैं, किसी का साइज़ होते हैं, कलर्स होते हैं, इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब इसके भी वेरिएंट्स बन सकते हैं, जैसे कि एक तो साइज़ है, अब पंजाबी चप्पल के साइज़ होते हैं 6 और 6 नंबर, 7 नंबर, इस तरह जितने नंबर होंगे वो आप ऐड करेंगे, 8, 9, 10, 11, जो भी जितने होते हैं आप प्रोडक्ट के वो आपको क्लाइंट बता देगा। अब साइज़ के बाद कलर्स भी होते हैं कि तो आपके पास कौन कौन से कलर्स हैं, इसमें ग्रीन है, सॉरी ब्लैक है, मस्टर्ड है, इसी तरह और भी होते हैं, ब्लैक है, मस्टर्ड है, डबल शेडेड है और ब्राउन है, इस तरह बहुत सारे कलर्स भी होते हैं। तो फ़िलहाल हम ऐड नहीं करते क्योंकि हमने एक ही पिक्चर ऐड की है, हमने तो एक पिक्चर ऐड की है फ़िलहाल ब्राउन की, तो हम फिलहाल इस वेरिएंट को रहने देते हैं, ऊपर वाला ऐड करते हैं, उसको हम फिलहाल को रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वेरिएंट्स नीचे आ गए, उनके एस के यू भी आ गए, बार कोड हमने अभी नहीं लगाए तो वो नहीं आए, तो क्योंकि हमने एक का ही जनरेट किया था। इसके बाद आ जाता है जी इसकी एडिट वेबसाइट SEO। अपने आपने जो ऑन पेज जो होती है, जो आपने SEO करनी होती है सर्च इंजन, सपोज करें कि आप कहते हैं कि जो गूगल में ज़्यादा सर्च होने वाला वर्ड है वो है पेशावरी चप्पल,
कप्तान जबर इतना सर्च नहीं होता, पिशावरी जबर बहुत ज़्यादा सर्च होता है, तो आप इस तरह करेंगे आपका टाइटल वो ही रहेगा जो आपका है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर दें आपका URL, आप उधर से टाइटल आपका वही रहेगा। आप कहते हैं कि पिशावरी जबर ज़्यादा सर्च होता है तो आप कप्तान को रिमूव कर दें। आप कप्तान को रिमूव करेंगे तो ऊपर तो जो टाइटल होगा वो प्रोडक्ट का टाइटल एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो जहाँ आपने रिमूव किया है यहाँ पे वो SEO के हवाले से होगा। तो जब पिशावरी चप्पल के नाम से कोई होगा, रिसर्च होगी पिशावरी चप्पल के नाम से टाइटल से, तो उस हवाले से आपको ये आपका जो गूगल सर्च इंजन है वो आपकी प्रोडक्ट को जल्दी कैच करेगा, जल्दी ऊपर लाएगा। यहाँ पे इसी तरह कीवर्ड्स होते हैं और आपने उसी की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे और मेंशन करनी है SEO के हवाले से, तो आप यहाँ पे उसकी मेन और डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन शो नहीं होगी क्योंकि आपने मेन डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखनी है, वो शो होगी ये SEO के लिए होगा, SEO के हवाले से होती है। आप समझते हैं कि गूगल में और ज़्यादा वर्ड्स हैं वो ज़्यादा सर्च होते हैं इन वर्ड्स की निस्बत, हाई क्वालिटी लिमिटेड इस तरह, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आप URL इसकी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप कहते हैं कि पिशावरी चप्पल ज़्यादा सर्च होता है, पिशावरी चप्पल ऐड कर सकते हैं, तो एज इट इज़ वो ही रहेगा। तो ये थी SEO के हवाले से थी। यहाँ पे मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, आपके पास अभी ऑनलाइन स्टोर है, ये तो उसको मैनेज करने के हवाले से है कि जो मैनेज करते हैं कि आपके पास कितनी हैं, कितनी अवेलेबिलिटी कितनी है, कितनी रहेगी, तो ये उस हवाले से। उसके बाद आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन पहले नंबर पर इसमें आता है प्रोडक्ट टाइप, इसकी टाइप कौन सी है, प्रोडक्ट की टाइप क्या है। जैसे इसकी टाइप है फुटवेयर, ये फुटवेयर में काउंट होती है, तो आप इसको फुटवेयर में ऐड कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट पिशावरी चप्पल भी लिख सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं ये इसकी टाइप पिशावरी चप्पल, या चप्पल डायरेक्ट लिख सकते हैं या पिशावरी चप्पल। इसी तरह अगर क्लॉथिंग का कोई आइटम है तो आप वो कर सकते हैं कि शर्ट्स और वो शर्ट्स हो गई और वो हो गई, फुटवेयर भी और हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद आ जाता है वेंडर। वेंडर कौन है, वेंडर वही होता है जिसकी वेबसाइट होती है, क्योंकि उसी के नाम से बन रही होती है, जो उसका वेंडर होता है, जो उसको प्रिपेयर कर रहा होता है। जो अब आप एक वेबसाइट पे अगर और चीज़ों की मतलब कि और कंपनियों की चीज़ें ऐड करते हैं तो फिर आपको वहाँ उसका वेंडर लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप पिशावरी चप्पल किसी ब्रांड की किसी सपोज करें आप बाटा वालों की उठा के दे रहे हैं तो आप यहाँ पे भी लिख देंगे ये बाटा का है, बाटा इसका वेंडर है। इसी तरह अगर आप किसी और का है उसका सर्विस वालों का है तो आप वहाँ पे सर्विस लिखेंगे, इसीलिए तो अब जो भी मतलब कि होगा आप उसका लिखेंगे। लेकिन अभी मैंने रेहान कलेक्शन के नाम से स्टोर बनाया था तो मैं ये लिख देता हूँ कि इसका वेंडर रेहान कलेक्शन, रेहान अब मतलब एक अलग अपना वो ब्रांड जो होता है वो है इसका, तो मैंने वो रेहान कलेक्शन ऐड कर दिया। इसके बाद आ जाती है कलेक्शंस। कलेक्शंस पे हम कल बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कलेक्शंस क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। फ़िलहाल मैं इसको होम पेज पे रख देता हूँ कि ये प्रोडक्ट होम पेज पे शो हो, होम पेज पे जाएगा। तो हम कलेक्शंस कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक कलेक्शंस पे ही होगा, तो कल आपको कलेक्शंस की सही समझ आएगी। ये पूरा टॉपिक है और ये मतलब कि यहाँ से आपको समझ आएगा। तो इसके बाद आ जाते हैं टैग्स। टैग बेसिकली ज़रूरत पड़ते हैं जब आप किसी भी चीज़ के जो टैग्स लगाते हैं उसमें SEO में होते हैं, ज़रूरत पड़ते हैं, उसमें रैंकिंग बढ़ती है। आप अच्छे टैग्स लगाएं तो आप अच्छे टैग्स यहाँ पे लगा सकते हैं। आप पिशावरी का टैग लगा दें, कप्तान का टैग लगा दें, इस तरह जो मेन टैग्स हैं, कप्तान चप्पल का टैग लगा दें। इसी तरह आप मेन 5-7-8 जितने आपने टैग्स लगाने हैं वो आप टैग्स लगा सकते हैं। इसके बाद हम प्रोडक्ट को करेंगे सेव। प्रोडक्ट सेव हो गई, अब हम इसको व्यू करते हैं, व्यू ऑन योर स्टोर। अब हम इसको व्यू करते हैं, स्टोर का पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड इसका था
जब भी आप स्टोर बनाते हैं तो पहले ये होता था कि स्टोर पे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं होता था, जो होता था वो आप डिसेबल कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने जो शॉपिफाई की पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, अब ये होता है कि आप जब किसी को लिंक भेजते हैं तो वो आपको स्टोर तब देखेगा जब वो पासवर्ड ऐड करेगा। तो क्योंकि जब तक प्लान परचेज नहीं होगा तो आपको वो पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिल्ट इन पासवर्ड लगा होता है, आप चेंज भी कर सकते हैं। आप ये देखें, ऑनलाइन स्टोर पे जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड शो होगा। पहले ये डिसेबल हो जाता था यहाँ से, लेकिन अब डिसेबल नहीं होता क्योंकि जब आप डेवलपमेंट मोड पे होते हैं तो आपको पासवर्ड डिसेबल नहीं होता। जब आप प्लान परचेज कर लेते हैं, आपको प्लान प्लेयर परचेज करते हैं तो उसके बाद ये हो जाता है, पासवर्ड डिसेबल हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसका पासवर्ड को ही रेहान रख देते हैं। ये मैंने इसका पासवर्ड रेहान रख दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसको रेहान, इधर मैं ऑप्शन ऐड करता हूँ, रेहान सेव कर दिया। आवाज आ रही है आप सबको? जी, आ रही है आवाज। ये मैं आपको अभी प्रोडक्ट शो करवाता हूँ जो हमने ऐड किया है। ये प्रोडक्ट है, इसको हम स्टोर पे व्यू करते हैं। ये प्रीव्यू करेंगे हम यहाँ से जो हमने अभी प्रोडक्ट ऐड किया है। ये असल में मोजिला वो यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से क्या है आपको ये इस तरह का वो ऑप्शन नहीं आएगा, आपके बैक शो हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है और यहाँ पे शो भी हो रही है हमारी प्रोडक्ट जो हमने ऐड किया है शॉपिंग दुकान के ऊपर। ये इसकी प्राइस 2500 सेल पे हमने लगाई हुई है, बाहर मार्केट में 3000 किया, आपकी वेबसाइट पर 2500 किया है। इसके अलावा ये इसके साइजेज आ गए और बाकी इसके जो हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो यहाँ यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। बाकी इसके अलावा ये बिल्ट इन थीम होते हैं, बिल्ट इन वाइट नाउ एट डिफॉल्ट ये थीम के अंदर होते हैं। और इस तरह हमारी एक प्रोडक्ट अभी हमने जो ऐड की वो आ चुकी। तो इसी तरह अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने जो स्टोर क्रिएट किए हैं आप लोगों ने, जो मैंने कल कहा था कि आपने एक एक स्टोर क्रिएट करके लाना है, तो अब आपने कल इस तरह आज इस तरह करना है कि जाके आपने उसमें कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। 10 से 15 प्रोडक्ट्स आपने लाजमी ऐड करने हैं, तब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको चीज़ें याद रहेंगी, अदरवाइज आपको चीज़ें फिर भूल जाएंगी। तो आपने ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है, 10 से 15 प्रोडक्ट्स आपने ऐड करनी है। और ऐड करके फिर आपने कल मुझे मतलब लिंक यहाँ पे भेज दीजिए